तो दोस्तों आज का वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और इसमें आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का, वो सभी कंपनी, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि इंडिया की जो सारी कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की जो भी सारी कंपनी है, वो एक्चुअली में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती कैसे हैं। वो चाहे कोई सी भी हो, अपने में ब्रांड हो या छोटी कंपनी हो, उनका प्रोसेस क्या है प्राइवेट कंपनीज़ का, वो डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईटी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। एंड दोस्तों मैं लास्ट में इसमें बताऊंगा कि जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वो इनिशिएट कैसे होता है, वो स्टार्ट कैसे होता है, जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों अगर आपके पास प्रीवियस कंपनी का जो एक्सपीरियंस वगैरह होता है या आपने कहीं जॉब वगैरह किया है, ये सिर्फ उनके लिए जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, और फ्रेशर कैंडिडेट अगर आप हो तो उस केस में ये नहीं होता है। जो बेसिकली मैं बताऊँगा कि किन किन चीज़ों का वेरिफिकेशन होता है अभी फ़िलहाल में, तो जो उनका अबाउट पास्ट वर्क हिस्ट्री, क्रिमिनल रिकॉर्ड, एजुकेशन क्रेडेंशियल, रेजिडेंशियल प्रूफ यानी कि एड्रेस, और आजकल जो सारी कंपनीज हैं वो यही प्रोसेस यानी कि ऑलमोस्ट सभी कंपनीज़ यही प्रोसेस अप्लाई कर रही हैं अपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में। दोस्तों जो लगभग लगभग सभी कंपनीज़ का प्रोसेस होता है, इनका जो टाइम होता है वो 3 to 10 days होता है, और ये टाइम मैक्स भी हो जाता है 1 महीने भी 2 महीने भी 3 महीने भी। ये डिपेंड करता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कितने अच्छे से वो लोग कर रहे हैं, या आप, और अगर आप किसी सीनियर लेवल पे जा रहे हो तो हो सकता है कि डेप्थ में जाके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करें, तो इन सब चीज़ों के लिए हो सकता है ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं। और वो तो आपको पता ही होगा कि जब इंटरव्यू के सारे राउंड क्लियर हो जाएं, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह मिलने के बाद, ये प्रोसेस उनका शुरू होता है। जो मिनिमम टाइम होता है वो 3 to 10 days होता है। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ कि स्टार्ट कैसे होता है। जो पहला स्टेप होता है, जो कंपनी, उस कंपनी ने अपना टेंडर किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया है, तो क्या करती है, जो वहाँ पे HR, तो वहाँ पे जो HR टीम होती है वो क्या करते हैं कि जो पहला कॉल है वो आपकी प्रीवियस कंपनी में करती है, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो। अगर फ्रेशर हो तो फिर वहाँ पे प्रीवियस कंपनी तो है नहीं, तो वहाँ पे चांसेस नहीं बनते हैं। इनकेस अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो पहला कॉल आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है। एंड दोस्तों जो सेकेंड स्टेप है, स्टार्ट विद द क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह चेक करते हैं सारा प्रोसेस, वो आता है अपना सेकेंड नंबर पे। और इसी में एक जो पॉइंट होता है वो होता है डिग्री और मार्कशीट, वो भी इसी में ही वो मैनेज कर लेते हैं, इसी में वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ही करा लेते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ। उधर वन साइड पे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता रहता है क्रिमिनल का, और इधर आपकी जो डिग्री मार्कशीट होती है वो उस पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वहाँ पे चलता रहता है। एंड दोस्तों इसके पहले मैंने कई वीडियोज़ में बताया है कि एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल भी विजिट करते हैं अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है। तो ये जो थर्ड प्रोसेस है वो एड्रेस वेरिफिकेशन का है, जो कि फिजिकल विजिट करते हैं उनके बंदे या किसी को टेंडर उन लोगों ने दे रखा है, तो वो लोग वहाँ पे आपके फिजिकल एड्रेस पर विजिट करते हैं। एंड दोस्तों कई कंपनीज हैं, ये मतलब 1, 2, 3, 4 कोई प्रोसेस नहीं है कि कंटिन्यू इसी से करें, लेकिन ऑलमोस्ट यानी कि 90% कंपनीज़ जो होती हैं वो यही प्रोसेस अपनाती हैं। अब कई चीज़ें होती हैं कि हर एक का अपना अलग अलग क्लाइंट है, कि मार्कशीट वगैरह कोई दूसरा वेरिफिकेशन करते हैं, और जो फिजिकल विजिट करते हैं आपके एड्रेस वगैरह पे वो दूसरी टीम करती है, तो सारा प्रोसेस एक साथ ही इनिशिएट हो जाता है। अब मैटर ये करता है कि वो पहले कहाँ कर रहे हैं, पहले किस पे कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली उनका प्रोसेस यही होता है। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला तो वीडियो के नीचे ही रेड कलर का बटन दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड गुड।